हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। यस और नो? हाँ या ना? गुड मॉर्निंग। चलो प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, स्टार्ट करें अपने सेशन को विदाउट एनी डिले। अवेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? यस और नो? एकदम मस्त है सर, एकदम मस्त। ओके, आनंद जी भी है, अमित जी भी है, क्या बात है। ए ओके, ए की अटेंडेंस पहले लगती है, उसके बाद बी, फिर सी, इस तरीके से लेटर्स लिखे जाते हैं, है ना? स्कूल में यही करता चलता था तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को फटाफट तरीके से शेयर करो और लाइक करो, और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक नंबर तरीके से, और मचा देंगे आज बिल्कुल मचा देंगे, है ना? बिल्कुल मचा देंगे एक तरीके। चलो क्या है तृप्ति कुमारी 90 सर, एआईटीसी नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा? बेटा देखिएगा, मई जून तक आने के पूरे चांसेस है। ये रिक्रूटमेंट जल्दी ही कम्प्लीट होगा, तो जून जुलाई तक हम बात करेंगे। जो अगला सेशन आने वाला है प्लास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। तो हम बात करेंगे, ये भी यहाँ पर निकल करके नहीं आएंगे। तो बचता है कौन सा भैया? बचता है एयर एंटरिंग। तो एयर एंटरिंग क्या करते हैं? एयर बबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और एयर बबल को इंट्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है? हम बात करेंगे फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस वहां मिला होता है। साथ ही साथ वर्केबिलिटी को भी ये पैरामीटर क्या करता है? अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? वर्केबिलिटी को भी क्या करता है? ये पैरामीटर बहुत हद तक अफेक्ट कर रहा होता है, तो वो हमारी बात निकल जाती है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ अगर एयर एंट्रेनिंग की बात करें, तो एयर एंट्रेनिंग कौन से एडवेंचर होते हैं? एयर एंट्रेनिंग की बात करते हैं तो एयर एंट्रेनिंग कौन से एडवेंचर होते हैं? जल्दी से बता दो। हम बात करते हैं एयर एंट्रेनिंग की बात करें तो एयर एंट्रेनिंग की बात करते हैं किसपे अफेक्ट करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू किया था। निखिल निको जी क्या बोलना चाह रहे हैं? वही क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू किया था, मतलब हाँ वही क्वेश्चन पेपर हमने कंटिन्यू किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल सही बात है। हम अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। देखो यहाँ पर हमने बात की हुई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है? तो हमने एक पेपर में जो हमने पिछले दो दिन में जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर लिया हुआ था, उसी पेपर को कंटिन्यू करते हैं, और उसमें कुछ नए क्वेश्चन एड ऑन कर दिए। कुछ नए क्वेश्चन क्या कर दिए? एड ऑन कर दिए, ठीक है? कलम अजय शर्मा से नहीं मिलते, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर उसको एयर एंट्रेनिंग एडवेंचर बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये एयर एंट्रेनिंग एडवेंचर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं? यानी बिल्कुल, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करते हैं और वर्केबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों चीजों को यहाँ पर अफेक्ट कर रहे होते हैं, कॉम्प्रेसिविटी एंड वर्केबिलिटी दोनों को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। वेंचरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, अगर हम वेंचरीमीटर की बात करें तो वेंचरीमीटर हम बात करते हैं किसके लिए, ठीक है? किसके लिए करते हैं वेंचरीमीटर? तो वेंचरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो डायनामिक विस्कोसिटी निकालने के लिए हम वेंचरीमीटर को यूज नहीं करते। हम ज्यादा से वेंचरीमीटर को रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? रेट ऑफ फ्लो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफ वाटर के लिए भी यही किया जाता है। प्रेशर एट द सेम पॉइंट, प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम वेंचरीमीटर को यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, एक पाइप से जो फ्लो हो रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं? वेंचरीमीटर।
पेंचुरी मीटर के लिए जो हम कांस्टेंट लेते हैं, जो हम कांस्टेंट लेते हैं जल्दी बताओ वो कितना लेते हैं, जो कांस्टेंट लेते हैं वो कितना लेते हैं, कांस्टेंट कितना लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कांस्टेंट कितना लिया जाता है, हम बात करते हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया जाता है वो 0.95 से 0.98 के बीच में हम यहाँ पर ले रहे होते हैं, 0.95 से लेकर के 0.98 के बीच में हम यहाँ पर ले रहे होते हैं, तो वो हमारी कहानी निकल के आएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। अच्छा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, ऑरिफिस, क्या ऑरिफिस डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, क्या ऑरिफिस डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, यस और नो, यस ऑरिफिस किसके लिए यूज होता है, डिस्चार्ज यूज होता है, और इसके लिए जो कांस्टेंट निकल के आता है वो कितना होता है, 0.665 के आसपास हम जनरली लेकर के चल रहे होते हैं, 0.65 के आसपास हम बात करते हैं जनरली लेकर के चल रहे होते हैं, तो 0.65 से लेकर के 0.661 से लेकर के 0.65 के बीच में हम लेकर के चल रहे होते हैं। सेकंड की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा भाई, और आगे बढ़ता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 3 का आंसर बताओ जल्दी से क्या बोलता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धीरे धीरे कमेंट डिलीट होते जा रहे हैं भैया, ये सब नहीं करो यार, तुम एक काम करो ना, सेशन को फटाफट तरीके से शेयर करो और सेशन को लाइक करो, जितने भी लोग नए आए हैं ये सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को फटाफट तरीके से शेयर करते चलो, फटाफट फटाफट तरीके से शेयर करो, बहुत बढ़िया। तो व्हाट विल बी द मिनिमम 0.2% रिजिड स्ट्रेंथ न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर की बात करते हैं फॉर Fe 500D स्टील, Fe 500D स्टील के लिए 0.2% ऑफ मिनिमम स्टील जो निकल के आती है वो कितना हो रहा होता है, वो कितना हो रहा होता है जल्दी बता दो। तो अगर हम बात करें 0.500D के लिए, 0.500D के लिए 0.2% रिजिड स्ट्रेस जो हम निकाल रहे होते हैं वो कितना है, वो 500 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होता है, 500 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होता है। अगर Fe 415 के लिए बात करें कितना होता है, Fe 415 के लिए 415 होता है, अगर हम बात करते हैं Fe 415D के लिए बात करें तो कितना, 415 ही निकल करके आ रहा होता है, और Fe 500 के लिए भी कितना होता है, 500 होता है, और Fe 500D के लिए भी निकल के आता है 500 ही निकल करके आ रहा होता है। यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा 500 आएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड नंबर, बड़ा कोइंसिडेंस, थर्ड नंबर के लिए थर्ड नंबर ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ हम बात करते हैं 450 अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर की बात है, अरे चल फोर्थ नंबर पे चलो ना, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर एसेंशियली प्लास्टिक इन बिहेवियर, सॉइल का बिहेवियर प्लास्टिक है एसेंशियली, कैसा है, प्लास्टिक, एसेंशियली प्लास्टिक बोला गया है, और प्लास्टिक का मतलब क्या है, इससे डिफरेंट शेप्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर हेयर, तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है जब वो डिफरेंट शेप्स में हम बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी प्लास्टिसिटी बोलते हैं, और प्लास्टिसिटी के लिए जो निकल करके आएगा, प्लास्टिसिटी के लिए जो निकल के आएगा वो कौन सा होगा, बोल्डर, बोल्डर से आप डिफरेंट तरीके के शेप्स नहीं बना सकते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा, सैंड से भी नहीं होगा, सिल्क से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन क्ले की प्लास्टिसिटी सिल्क से ज्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों की वैल्यू अच्छी खासी निकलती है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लास्टिसिटी की बात की है, तो प्लास्टिसिटी को किससे चेक करते हैं, आईपी से चेक, और आईपी इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर मुझे बताओ अगर प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज्यादा होती है, आईपी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जो हो जाती है यानी आईपी की वैल्यू कितनी निकल करके आती है, आईपी की वैल्यू जो निकल करके आ रही होती है वो हमारी जीरो निकल करके आ रही होती है, वैल्यू कितनी, जीरो निकल करके आ रही होती है अगर लिक्विड प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो जाए, और अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो 7 से अगर कम होगा तो नॉन प्लास्टिक होता है, आईपी की वैल्यू 7 से कम होता है नॉन प्लास्टिक, और 7 से 14 की बात करते हैं तो मीडियम प्लास्टिक, और 14 के ऊपर जनरली होता है, जनरली 17 की बात करते हैं तो 14 के ऊपर जनरली होता है वो क्या होता है, हाईली प्लास्टिक बिहेवियर दे रहा होता है, तो क्ले के लिए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ग्रेटर देन 17 जनरली निकल करके आ रहा होता है, ये ग्रेटर देन जनरली 17 निकल करके आ रहा होता है, तो देखो फिर से कोइंसिडेंट, फोर्थ नंबर और फोर्थ नंबर ऑप्शन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए फोर्थ नंबर ऑप्शन है, तो जल्दी जल्दी सेशन को फटाफट तरीके से शेयर करो और लाइक करो फटाफट फटाफट जल्दी से, तो फोर्थ की बात करें,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई, फिफ्थ नंबर की बात करो, जैसे क्या हुआ? बहुत बढ़िया, आंसर बता जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन शुड बी द स्लैक इफ द स्पेसिफिक स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 75। स्पेसिफिक स्पीड अप्रोक्सीमेटली कितना बोला गया है? 75 बोला गया है। अप्रोक्सीमेट स्पीड अप्रोक्सीमेटली कितना बोला गया? 75 बोला गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हम बात करेंगे यहां पर कि फॉलोइंग टर्बाइन शुड बी सिलेक्टेड इफ द स्पेसिफिक इज अप्रोक्सीमेटली 75। तो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 75 होती है, और 75 किसके लिए होती है हम बात करेंगे, 75 किसके लिए होती है? फ्रांसिस टर्बाइन के लिए होती है। फ्रांसिस टर्बाइन के लिए कितना होता है? हम बात करें 75, और हम बात करें अप्रोक्सीमेटली कितना, 60 से लेकर के 300 केवी। अगर हम बात करेंगे जो हमारे स्पेसिफिक स्पीड की बात करेंगे, भैया स्पेसिफिक स्पीड की बात करेंगे, तो 60 से लेकर 300 के बीच होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम हेड टर्बाइन हम उसको बोल रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें मीडियम स्पीड टर्बाइन बोलते हैं, और 60 से नीचे होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम बात करते हैं लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, और 300 से ज्यादा होती है तो क्या बोलते हैं हम उसे हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन बोलते हैं। और इस केस में कौन निकल के आ रहा है हमारा? फ्रांसिस निकल करके आ रहा है। कौन सा? फ्रांसिस निकल करके आ रहा है। तो ये कंडीशन निकल करके आएगी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर। फिफ्थ की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सिक्स नंबर की बात करो यार, क्या बोलता है सिक्स नंबर आंसर, क्या बोलता है जल्दी बता दो। सिक्स नंबर बोलता है D10, D30, and D60 of a soil particle are respectively this one. Then the coefficient of uniformity is, coefficient of uniformity बताइएगा क्या होगा भाई। इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाल लेते तुम? मतलब यहाँ क्वेश्चन पढ़ाने और यहाँ तुम्हारे आंसर आना चालू हो जाते, इतनी फास्ट प्रोसेस कैसे है? तो Cu is equal to क्या है? D30 अगर हम आते हैं, Cu is equal to क्या होता है? D60 by D10 निकल, हाँ Cu is equal to D60 by D10 निकल के आता है। और D60 by D10 की बात करें यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो, तब तो आंसर देना स्टार्ट करो। यहाँ में क्वेश्चन पढ़ना जब तक यहाँ पे आंसर लिखे गए, ये तो शताब्दी से भी तेज हो रहे हैं यार। Oh my God, प्रोसेसर बहुत तेज है। तो D60 by D10 निकालनी होती है कितना होता है? D30 का स्क्वायर और D60 into D10, D60। और D30 की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो D30 कितना दिया गया? वो दिया गया 2 का स्क्वायर अपॉन 1/5 दिया गया, 4/5। और 4/5 की बात करेंगे तो कितना 0.2 निकल गया है। ठीक है, सॉरी 0.4 निकल गया, 0.8 निकल कर क्या जाएगा, तो हमारा आंसर कितना 0.8 आएगा। अब हम बात करेंगे Cu की वैल्यू जब 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। और अगर Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वेल ग्रेडेड सैंड बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोल रहे हैं वेल ग्रेडेड सैंड बोल रहे हो। ठीक है, और अगर हम Cc की वैल्यू बात करें तो वेल ग्रेडेड के लिए कितना 1 से लेकर के 3 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं 1 से लेकर के 3 के बीच में निकलते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम आते हैं 6 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और इसके साथ हम 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एन इंजीनियर वांट्स टू डिजाइन अ स्टील इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 6 मीटर हाइट। कितना? स्टील इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 6 मीटर हाइट का ये पोल बनाने चाहते हैं। ठीक है, तो विद ऑफ 6 मीटर हाइट विद एंड कंडीशन एज वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। One end is restrained against translation and rotation, while the other end is free. Other end क्या रखा गया है? Free रखा है। The effective length of column she should consider while designing this pole would be. She should consider while designing the pole is to be. अगर हम आते हैं पोल को डिजाइन करने के लिए जो इफेक्टिव लेंथ लिया जाएगा वो इफेक्टिव लेंथ कितना लिया जाएगा जल्दी बताओ। हम आते हैं एक एंड पर फिक्स है, एक एंड पर फ्री है, तो कितना लेते हैं? L effective is equal to लिया जाता है 2L। 2L ले लिया जाता है, और 2L की बात करेंगे 2 into L की बात करेंगे कितना 6। तो अगर हम 2 into L की बात करेंगे तो कितना निकल करके आएगा जल्दी बता दो? 12 मीटर निकल करके आएगा।
12 मीटर, और 12 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फैशन को फटाफट तरीके से शेयर करो, डीडीए के अंदर अपन मचा देंगे इस बार, डीडीए के अंदर मचा देंगे, जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था वो डीडीए आ चुका है। डीडी के अंदर बिल्कुल मचाना है, जैसे अभी हमने सब इंजीनियर में मचाया था उसी तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर फ्री एंड कनेक्टेड टू वायर हो गया तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन तो करता है, रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन में रेस्ट्रेट हो जाएगा, बट क्या करेगा वो, डिफ्लेक्शन तो पॉसिबल है, तो वो हम बात करते हैं, वो कंडीशन निकल करके आएगी, ठीक है। अजय जी क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया, वो कंडीशन हो जाएगी। तो सेवंथ की बात करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल 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 सबसे नंबर फोर इधर आएगा सर। और एट नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, देखो पीवाई की मतलब देखने में पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है सर, सर बहुत से डाटा जो है वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोस्टली। इस बार हम बात करेंगे कैसा आएगा कैसा नहीं है, हाँ ये डीडीए के पीवाई की में बेटा, ठीक है। और इस बार हमें नहीं पता कि कैसा आएगा, तो हमें पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है, अगर हम देखें तो ओवरऑल तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ऐसा मत सोचना कि हमारे जो पीवाईक्यू में फैक्चुअल क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल ही होंगे, ठीक है। तो सेशन को फटाफट तरीके से शेयर एंड लाइक द सेशन फटाफट। तो हम कहते हैं व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.2 मीटर पर मिनट एंड द डिटेंशन टाइम इज 6 आवर। डिटेंशन टाइम कितना दे दिया गया है, आर दे दिया है। तो हम बात करें वेलोसिटी निकालना है, तो हम बात करेंगे वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी जल्दी बताओ। तो हमें डिटेंशन टाइम दिया है और वेलोसिटी दी है, तो मीटर में निकालना है हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन निकालोगे अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिया तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब देखो यहाँ पर डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज भी नहीं दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं दिया है, तो डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया है, तो यहाँ से 0.2 मीटर पर मिनट दिया है। तो एक काम करते हैं, अभी हम इसको मीटर पर मिनट में ही लगा देते हैं, कितना q अपॉन a, तो ये q इज इक्वल टू कितना आया 0.28, कितना आया 0.28, ये समझ में आया सभी को, अरे हाँ है ना, चलिए बताओ। अगर डिटेंशन टाइम दिया है तो डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन कितना होता है, वेलोसिटी, यही होता है या नहीं। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, हम बात करते हैं डिटेंशन टाइम कितना होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, तो ये हमारा निकल के आएगा वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। और अगर वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज आया तो यहां से डिस्चार्ज की वैल्यू एरिया के फॉर्म में, तो डिटेंशन टाइम कितना दिया है, 6 आर दिया है, और ये कितना दिया है 0.2 मीटर पर मिनट। अगर हम बात करते हैं इनटू कितना एरिया, तो डिस्चार्ज की सॉरी इनटू, ये गलत हो गया, ये हमें लगाना है वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ अपॉन कितना 0.2 इंटू ए लिखा जाएगा, वो भी कितना मीटर पर मिनट इंटू मीटर स्क्वायर लिखा, ए से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ, एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट। इस मीटर को अगर हम मानते हैं तो 6 इंटू 60 इंटू 0.2 में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा था मीटर पर मिनट था, और मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, तो कितना 7 × 2 = 6 × 12 = 1.2 × 72 = 772 मीटर निकल कर गया। L is equal to कितना आ रहा, 72 मीटर आया समझ में, L is equal to कितना आ रहे, 72 मीटर। सबसे पहले क्या किया हमने, हमने यहां पर किया डिटेंशन टाइम का अगर फार्मूला लिख लो तो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज हमें पता है, डिस्चार्ज और एरिया का रिलेशनशिप हमें यहां से पता चल, और वो हमने रिलेशनशिप निकालना, तो हम बात करते हैं यहाँ पर वो रिलेशनशिप निकाला है, वो कंडीशन निकल, तो वेलोसिटी निकालनी थी तो वेलोसिटी निकाल ली है हमने, उसकी बात की और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। सीधा यूनिट के हिसाब से कर लो बेटा, यूनिट के हिसाब से हम कर तो लेंगे, लेकिन कई बार आपको बताना पड़ता है क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, यूनिट के हिसाब से करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, है? लेकिन हर जगह वो ये होता है लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, बट बेसिकली कंसेप्ट बनाना है, बेसिकली क्या करना है, कंसेप्ट बनाना है भाई, अरे ये बात समझ में सभी को, चलो
बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे रे इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो सेशन को लगातार शेयर करो, लगातार शेयर करो फटाफट तरीके से, सेशन को लाइक करो जल्दी। द यूनिट मास किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईएस 800 IS 800 के द्वारा द यूनिट मास किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईएस 800 IS 800 के द्वारा जो हमारा स्ट्रक्चर का मास निकल गया है, यूनिट मास वो कितना था 7850 किलोग्राम निकल गया था, 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक निकल गया था। तो 9th की बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल के आया। 9th की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो 10th नंबर की बात करो यहां पर 10th नंबर का आंसर क्या होगा। 10th नंबर का आंसर बता दीजिए, 10th नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलो In the case of reinforced cement concrete, the unsupported length between end restraints shall not exceed y times the least lateral dimension of a column. Where y is? Y की वैल्यू बात कर रहे हैं कितना होना चाहिए? तो y की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितना? हम बात करें 60 times of the least lateral dimension of the column. तो 60 times of the least lateral dimension of column होता है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू यहाँ पर y into लिखा था हमने, तो y की वैल्यू। तो भैया 10th नंबर की बात करोगे तो 10th नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ जाओगे 11th नंबर की बात करो, नॉर्मली अ जियोडेटिक सर्वे इज परफॉर्मड इफ द एरिया इज टू बी सर्वेड इज बियॉन्ड x स्क्वायर किलोमीटर वेयर x इज द। देखो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग वो सर्वेइंग होता है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है, और अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, जियोडेटिक। यहां पर बोल रहा है क्या होता है, जियोडेटिक। और अगर अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं किया जाता है उसको क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। क्या होते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। और ये सर्वेइंग कब करते हैं, जब हमारा एरिया जनरली 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है। और ये सर्वे कब करते हैं, जब हमारा एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम निकल के आ रहा होता है। लेकिन हर एक, अगर हम बात करें प्लेन सर्वेइंग में हर 12 किलोमीटर के लिए, प्लेन सर्वेइंग में हर 12 किलोमीटर के लिए कितना, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर का एडिशनल करेक्शन किया जा रहा होगा। कितना, 1 सेंटीमीटर का एडिशनल करेक्शन किया जाता है। अगर हम बात करें ट्राइंगल की तो यहाँ पर हम जो ट्राइंगल बनेंगे वो प्लेन ट्राइंगल होंगे, और ज्योमेट्रिक में जो ट्राइंगल बनेंगे वो हमारे स्पेरिकल ट्राइंगल होंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्पेरिकल ट्राइंगल के एंगल का समेशन और ज्योमेट्रिक ट्राइंगल के एंगल का समेशन, तो डिफरेंस ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ प्लेन, अगर हम बात करें प्लेन का माइनस डिफरेंस ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ स्पेरिकल का, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो कितना होता है, 1 सेकेंड होता है फॉर एवरी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना होता है। हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया भैया, 250 किलोमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, 250 किलोमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जुड़ा करो यार, बिल्कुल टाइम का ध्यान रखा करो, टाइमली यहाँ पर जुड़ा करो तो मजा भी आएगा, ठीक है, शुरू से लास्ट तक मजा आएगा, ठीक है। तो 11th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 12th नंबर की बात करो, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अगर हम 4-5-6 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इंडियन स्पेशल 4-5-6 के बात करेंगे, माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट कैन नॉट बी लेस देन x% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्लैब वेयर x इज द। तो यहां पर x की, ये वो वाला x नहीं है जो समझ रहे हो तुम, ठीक है, ये है अल्फाबेटिकली वाला x, ठीक है, तो वो समझो बात, क्लियर है बात, तो बिल्कुल हां परेशान मत होना, ये समझो, ठीक है। मुझे पता है आजकल तुम्हें बहुत x के मतलब बहुत समझ में आ रहा है, बहुत सारा समझ में, ठीक है, बहुत समझ में आ रहा, बहुत समझ में आ रहा, हाँ आजकल तुम्हारे दिन अलग चल रहे। चलो बहुत बढ़िया, तो 12 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, 12 नंबर का आंसर बताओ, 12 नंबर का आंसर बताओ, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 4-5-6 माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट कैन नॉट बी लेस देन x%। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो माइल्ड स्टील क्या होता है, 0.15% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम यही HYSD की बात करेंगे तो HYSD क्या होता है, HYSD के केस में, ठीक है सर, अजय का क्वेश्चन एक बार देखें, अजय का क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है अजय का क्वेश्चन, 190.5 किलोमीटर स्क्वायर पूर्वी दोनों में जो ऑप्शन में कौन सा, नहीं भैया तो 250 प्रेफर करना है, अगर हम बात करें दोनों ऑप्शन है तो 250 प्रेफर करना है, अच्छा दोनों 250 प्रेफर करना है, हाँ 250 करना है,
अगर हम सर्वे एरिया पूछे तो 250, अगर एंगल के लिए पूछे तो 190, कई जगह तो लिखवा दिया जाता है 195.5 दोनों होते हैं, बट 195.5 जो होता है वो एंगल कैलकुलेशन के लिए होता है बाबा, क्लियर है बात? चलो ओके हाँ, तो हम बात करते हैं 12th की बात करेंगे, यहाँ पर कितना 50% आंसर होगा, जबकि HYSD का केस करेंगे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार की बात करेंगे यहाँ पर, हाँ एंगल के लिए 195 होगा, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर 0.12 निकल करके आता होगा, तो हम आ गए 12th की ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर, ठीक है, 12th के बाद 13 नंबर बताओ रे, 13 नंबर, इन अ कर्व एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट इज कॉल्ड, अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम आगे देखो ये है द इनर कर्व द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, तो यहां पर क्या हुआ, अब वो तो याद है इंटरसेक्शन एंगल कहा जाएगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन एंगल तो हम आता है इसको क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, तो इंटरसेक्शन एंगल होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन एंगल, बट इंटरसेक्शन एंगल तो हमारे आंसर में नहीं दिया है, क्या आंसर होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा डिफ्लेक्शन, हमारा आंसर क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल होगा, और डिफ्लेक्शन एंगल और इंटरसेक्शन एंगल का समीशन कितना होता है 180 डिग्री निकल जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या दूसरी बात समझो, यहाँ पर सुनो यार थोड़ा सा, दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है भैया बाबा जी कि यहाँ पर जो यहाँ डिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन होती है तो क्या होता है, इट इज एन एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट, इट इज एन एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ फॉरवर्ड बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट, एंड इट इज एन इंटरसेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज एन एंगल बिटवीन द फॉरवर्ड टेंजेंट एंड बैकवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट एंड बैकवर्ड टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो हमारा इंटरसेक्शन कहा जाता है, तो राइट आंसर यहां पर इंटरसेक्शन होना चाहिए था, बट क्या है डिफ्लेक्शन एंगल का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ एक्सटेंशन और मतलब प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच में डिफ्लेक्शन, तो ये क्या सही है क्वेश्चन एकदम से बताओ, हां है ना, क्लियर है बात, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, क्या हुआ अभी, क्या साउंड का प्रॉब्लम है, वायरलेस नहीं है तो क्या हुआ, अभी नहीं है यार, आ जाएगा वायरलेस भी, परेशान मत हो, हैं तब आ जाएगा भाई, इतना जब इतना तुम हम बैठे बैठे जब आ गए बोर्ड पे आ गए हैं तो बोर्ड के बाद धीरे धीरे चीजें भी आ जाएंगी यार, अपने पास अलादीन का चला नहीं है ना कि तुरंत एकदम झगड़ा और आ गया है, जीनी को बोल दिया भाई ले आया यार जल्दी से ले आ, जीनी को बोल दिया चीनी ले आ, हैं टुकड़ा लगता है ना, तो लगता है ना, चलो तो हमारे 30 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे 30 नंबर का आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर होगा, 30 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है, विष्णु मंसूरी जी क्या बात है यार, क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई यार विष्णु मंसूरी जी अपने सेशंस में, अच्छा ये बताओ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आप कैसा लग रहा है, सिलेक्शन हो गया तो बता दो भाई विष्णु क्या है, कैसा लग रहा है, और क्या हमारे सेशन जो तुमने लिए हुए थे वो सेशन क्या हेल्पफुल रहे थे, बताओ इन सभी को, बताओ इन सभी को, ये सेशन मिस करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनाते, बताओ, हाँ बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, हल्का लग रहा है, बहुत बढ़िया, चलो चलो तो फिर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है बात, जल्दी बताओ, तो हम आगे, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40 कंक्रीट क्यूब सैंपल इज 3 मेगा पास्कल and the average of 30 megapascal, what will be the coefficient of variation in data? Coefficient of variation in data में बात करेंगे. Coefficient of variation की बात करें तो coefficient of variation in data में क्या निकल कर क्या है? तो coefficient of variation जो निकल गया था standard deviation upon mean निकल गया था. तो coefficient of variation की बात करते हैं. Coefficient of variation जो
जाएगा, वो क्या निकल करके आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन निकल करके आ रहा होता है, इनटू 100 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, तो ये क्या है 40 अपॉन 30 इनटू 100 निकल करके, तो कितना ये आना चाहिए 4/3 यानी 13.33 इनटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 1333 निकल करके आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हम मार्क कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़े, वो आ रहा है क्या आंसर, कितना आ रहा है, सॉरी 40 नहीं है ये 3 है, तुम लोग भी नहीं बता सब के सब, हाँ नेक्स्ट बोल दो, ये क्या दिया है 3 दिया है और मैंने क्या रखा है वो नहीं बताने, गलत है सर, हाँ सर अब बोलेंगे सबके सब, नेक्स्ट बस नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वैल्यू कितनी दी है 3, तो हमें 3 अपॉन कितना होगा 30 इनटू कितना होगा 100, 1/10 का मतलब कितना होगा 10 निकल करके आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा ना कि 2, ये नहीं बताएंगे बस। अच्छा मुझे नहीं आता, ओके बोला था, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तो 14 की बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, 15 नंबर की बात करते हैं, और तुम्हारे लिए आज बहुत ही खास न्यूज है भाई, बहुत ही खास न्यूज है, अभी थोड़ी देर से देता हूँ, ठीक है, वो खास न्यूज क्या है तुम्हें थोड़ी देर से देता हूँ। तो हम कहते हैं इन अ स्टिफनेस मेथड द नंबर ऑफ अननोन टू बी डिटरमाइंड आर टर्मलेस, नंबर ऑफ अननोन टू बी डिटरमाइंड आर टर्मलेस, मेथड में जो हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिटरमाइंड जो करते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे निकल के आते हैं काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी निकल के, कौन से काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी निकल के आते हैं, तो हम बात करते हैं जो स्टिफनेस मेथड है हमारा कौन सा मेथड निकल के आता है, स्टिफनेस मेथड जो हमारा निकल करके आता है वो हमारा कौन सा होता है, डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी पे बेस्ड होता है, जिसमें हम बात करते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड निकल के आता है, तो हम बात करें 15 बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, और 16 की बात करोगे यहां पर In case of reinforced cement concrete wall design, the ratio of effective height to thickness shall be limited to. तो हम बात करते हैं क्या है? The ratio of effective height to thickness की बात करते हैं। तो effective height to thickness कितना define होता है? तो हम आते हैं effective height to thickness जो define होता है वो 30 define। 30 define हो रहा है। तो हमारा option number B जो है वो हमारा right answer निकल के आएगा। 16 number की बात करेंगे option number B is the right answer। चलो next question. 17 नंबर का सवाल जल्दी से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स, सीवेज एफ्लुएंट के बायोकेमिकल सीवेज ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कितना यहां पर वैल्यू निकल करके आता है, कितना वैल्यू निकल के आती है, तो हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्लेस, तो जो प्रोसेस होती है वो कार्बोनेशन होती है क्या, कार्बोनेशन तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि कार्बन का एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, हाइड्रेशन होती है क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्या होगी ऑक्सीडेशन निकल करके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हम आते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज इन वैलेंसी, और हम आते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आता, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। 17 की बात करते हैं, ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर के आंसर का जल्दी से क्या होगा, अरे रे रे रे, ये तो हमारा न्यूमेरिकल निकल के आएगा सर, एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा है, छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, तो छोटा सा न्यूमेरिकल बताओ क्या होगा, जल्दी तो हम आगे इन द डोजेस ऑफ एनामिक्स 15 मिलीग्राम पर लीटर, कितना 15 मिलीग्राम, डोज कितना है 15 मिलीग्राम पर लीटर है, देन द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड फॉर द 10 मिलियन लीटर, 10 मिलियन लीटर वाटर पर डे, तो हम आगे 15 मिलीग्राम पर लीटर है, तो सबसे पहले तो टोटल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होगी वो कितना 15 मिलीग्राम पर लीटर, तो हम बात करते हैं 15 मिलीग्राम पर लीटर में है और कितना 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन की बात है 10^6, ये कितना निकल के आया लीटर निकल गया, ये मिलीग्राम पर लीटर था और ये कितना निकल के आया, ये लीटर में, अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी मिलीग्राम, हमें क्या निकालना है मिलियन लीटर पर डे निकल कर क्या, तो हम बात करते हैं डोजेस एलम क्वांटिटी इन मिलियन टन में, इसमें निकालना है मिलियन टन, और अगर हम मिलियन टन की बात करेंगे तो मिलियन टन में कितना निकल कर क्या आएगा, जल्दी बता दो मिलियन टन में कितना निकल कर क्या आएगा,
तो हम बात करेंगे कितना 0.15 मिलियन टन निकल, 10 की पावर 6 को अलग कर दो और ये हम बात करेंगे 0.15, तो 0.15 मिलियन टन निकल कर आएगा, तो हमारा ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्लियर है बात? हां या ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज अमित नाथ जी भी आए हुए हैं। तो 18 की बात करते हैं, ठीक है, 19 नंबर की बात करो जल्दी से, 19 नंबर का आंसर था जल्दी से क्या होगा, 19 नंबर का आंसर क्या हो बेटा, लास्ट सेंटेंस में कोई एडवाइस नहीं होती है, देखो सबसे पहले जाकर के अपना रिविजन स्टार्ट करो, केवल और केवल रिविजन है जो तुम्हें यहाँ बताएगा, रिविजन बहुत अच्छे से करिए। अमित राज जी कुछ भी नहीं करना है, रिवीजन स्टार्ट कर दो, बस रिवीजन स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस आपने कर ली है तो रिवीजन स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया, रिवीजन स्टार्ट करो बस। चलो तो हम बात करते हैं, स्ट्रीमलाइन ट्यूब इज अ बंडल ऑफ, अगर आप स्ट्रीमलाइन ट्यूब की बात करते हैं तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब किसका बंडल होता है, स्ट्रीमलाइन नाम ही लिखा है स्ट्रीमलाइन, तो स्ट्रीमलाइन किसका, स्ट्रीमलाइन का, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, सारी की सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही, फ्लो लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही। पाथ लाइन क्या होता है, एक पार्टिकल के पाथ को जो हम ट्रेस कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। और कंटूर क्या होते हैं, कंटूर इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को कनेक्ट करती हुई जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसको हम बात करते हैं कंटूर बोल रहे होते हैं, और कैरेक्टर लाइन जो होता है वो अलग भी निकल के जाता है, तो बात नहीं, ये तीनों आंसर नहीं होंगे भैया। तो 20 नंबर की बात करो, यहाँ पर 20 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, 20 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, अजय शर्मा जी आप आपके लिए रिवीजन थ्योरी का करूँ या आपके खुद का, बेटा रिवीजन शॉर्ट नोट से करो, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिएगा वो ज्यादा इफेक्टिव निकल करके आएंगे, और नहीं है तो अपनी जो बुक है, जो कॉपी है, जो कॉपी में आपने मार्क किया हुआ है वो सारी चीजें, कुछ नए क्वेश्चन जब लगाते हैं तो कुछ नई चीज थ्योरी में मिलती है उसको एड ऑन करो अपने नोट्स में, उसको एड ऑन करो नोट्स में, तरीका यही बोलता है, ठीक है। चलो तो 20 की बात है, इफ द अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सैचुरेटेड क्लेज 360 किलो पास्कल, तो अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला गया, then its estimated shear strength would be, अगर इसकी estimated shear strength की बात करें तो estimated shear strength कितना निकल करके आती है, तो भैया unconfined compressive strength बोला गया, unconfined compressive strength कितनी होती है, 2C होती है, और इसकी value कितना है, 360 kilopascal दे दिया गया, लेकिन अगर हमने strength की बात की तो shear strength equal to कितना होता है, C निकल करके आता है, तो यहाँ C value निकाल लो कितना, QU by 2 निकल करके आएगा, तो QU by 2 यहाँ पर value रखोगे कितना, 180 kilopascal, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट में जो सिग्मा 3 की वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं, सिग्मा 3 की वैल्यू जो ले रहे होते हैं वो 0 ले रहे होते हैं, और उसके कारण से केवल केवल जो डेविएटर स्ट्रेस होती है वो किसके बराबर हो जाती है, सिग्मा 1 के बराबर हो जाती है। अच्छा अनकंफाइंड कंप्रेसिव टेस्ट जो है वो किस तरीके की सॉइल के लिए सुटेबल है, तो ये जो टेस्ट है ये हम जनरली कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल निकल कर चलिए कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल निकल कर आया था, वो कंडीशन बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 21 नंबर की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ग्रिड आयरन मेथड ऑफ लेआउट ऑफ पाइप डिस्ट्रीब्यूशन, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आइट के लिए जो ग्रिड आयरन मेथड का जो एडवांटेज नहीं है वो कौन सा होता है जल्दी बताओ। तो हम बात करें ग्रिड आयरन मेथड क्या होता है, इस तरीके से ग्रिड के फॉर्म में हम बना रहे होते हैं, ग्रिड आयरन मेथड हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं, ठीक है। मिनिमम हेड लॉस बिल्कुल सही बात है, इसका भी क्या है, ये ठीक है, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव गलत बात है, ये हम क्या है, डिसएडवांटेज है, क्या है, डिसएडवांटेज निकल कर आ रहा है, नॉट एन एडवांटेज एडवांटेज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, इट इज वेरी इन, ये जो निकल के आता है वो क्या होता है, बहुत बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, तो गलत बात है, हम आके एक्सपेंसिव होता है, ठीक है।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक करो फटाफट तरीके से, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है सभी लोग एक जगह शेयर और लाइक करो सेशन को, सेशन को शेयर और लाइक करो ठीक है। चलो तो 21 नंबर की बात करेंगे और फिर हम फुल राइट आंसर। 22 नंबर की बात करें, अमित राज है तो उनका आंसर मिल चुका है कि भैया रिवीजन स्टार्ट करना है, और अजय शर्मा जी आपका आंसर मिला जो आपने पूछा हुआ था कि सर एमसीक्यू कहाँ लगाना है क्या लगाना है, उसका आंसर मिला है यस और नो में। जल्दी जवाब दो यस और नो में जवाब दे दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फीचर ऑफ असेसिंग द सॉइल, सॉइल कॉम्पेक्शन को असेस करने के लिए इनमें से कौन सा एक फील्ड मेथड नहीं है, कौन सा एक फील्ड मेथड नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर, न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर जो निकल करके आता है वो हमारा क्या होता है, तो हम बात करते हैं वो क्या निकल के आता है, वो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर होता है। रबर बलून मेथड की बात करें तो रबर बलून मेथड यहाँ पर निकल कर आ रहा होता है। सेंट रिप्लेसमेंट मेथड ये भी हमारा क्या डेंसिटी मेथड है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात करें तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट हमारा यहाँ पर डेंसिटी डिटरमिनेशन का मेथड नहीं है, ये शेयर स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन का मेथड निकल के आता है। और अगर शेयर स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन का मेथड है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर। बहुत बढ़िया रे बहुत बढ़िया। 23 नंबर आंसर बताओ क्या होगा रे, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस एज CaCO3 एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या निकल करके, तो इंडियन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड जो हार्डनेस निकल करता है वो कितना था, वो हमने बोला 200 निकल करके, कितना 200 निकल करता है। और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट कितनी होती है, कॉज ऑफ रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन की लिमिट कितनी होती है ठीक है, कॉज ऑफ रिजेक्शन कितना होता है, मोस्टन जीवी है बहुत बढ़िया, कितना होता है 600। कॉज ऑफ रिजेक्शन जो निकल के आता है वो कितना होता है, वो 600 निकल करके आता है, कितना 600 निकल करके आता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 600 कॉज ऑफ रिजेक्शन। चलो 24 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ 5 हेक्टेयर ऑफ गार्डन, इंपरमीबिलिटी फैक्टर इज 0.2 एंड 5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इंपरमीबिलिटी फैक्टर इज दिस वन, व्हाट विल बी द एवरेज इंपरमीबिलिटी फैक्टर ऑफ एरिया। बताइए किस टॉपिक का क्वेश्चन है भैया, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है तुम्हें पता है, तो हमने बात किया इम्परमीबिलिटी फैक्टर, यहाँ पर I2 बोल दिया है, यहाँ पर I1 बोल दिया है, ये A2 बोल दिया, ये A1, तो हम आते हैं I इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना करते हैं, A1 I1 प्लस A2 I2 अपॉन कितना A1 प्लस A2 निकल करके आएगा रे भैया, इतना आएगा। और हम A1 की वैल्यू लगा देंगे, A1 की वैल्यू 5 हेक्टेयर इंटू 0.2 प्लस हम आते हैं 5 हेक्टेयर इंटू हम बात करते हैं फिर से कितना 0.1 अपॉन कितना 5 और 5 10 हो जाए ठीक है। तो हम बात करेंगे 5 इंटू 0.1 यानी 0.3 तो 5 इंटू 3 अपॉन 10 निकल करके आएगा, ये कितना आएगा 0.15 कितना 0.15 निकल गया है, तो 0.15 इज द राइट आंसर, 0.15 इज द राइट आंसर। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो हम किस तरह इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें किस तरीके से निकालेंगे, टोटल नया क्वेश्चन अभी तक, अभी तक का हम देखें तो डीडीए के अंदर हमने देखा है ये पूरी तरीके से नया क्वेश्चन हमको मिल रहा है, बिल्कुल नया प्योर नया क्वेश्चन है नहीं, यस और नो, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक करो फटाफट तरीके से। तो 24 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ठीक है। 25 नंबर बताओ यहाँ पर क्या होगा जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट रॉक मिनरल, सबसे ज्यादा सॉफ्ट रॉक मिनरल क्या निकल के आता है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट रॉक मिनरल क्या होता है, सभी को पता होगा जो टार होता है, टार होता है, टैल्क होते हैं, वो टैल्क की बात करते हैं हम यहाँ पर, वो हमारा सबसे सॉफ्टेस्ट निकल के आता है। और सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट, तो हार्डेस्ट की बात करें तो हार्डेस्ट क्या निकल के आता है, सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, डायमंड निकल करके आता है, क्या होता है, डायमंड निकल करके आता है, तो हम बात करते हैं वो डायमंड निकल के आता है, हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 25 का ऑप्शन नंबर 4 इज द। चलो 26 का आंसर बताओ जल्दी से, 26 का आंसर बताओ जल्दी से, टुडे द कास्टिंग ऑफ द 8 मीटर वाइड बीम हैज बीन डन, टुडे द कास्टिंग ऑफ द 8 मीटर वाइड बीम इज डन, व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम ऑफ द सपोर्ट्स ऑफ बीम टू बी रिमूव्ड, अगर हम बात करें सपोर्ट्स ऑफ बीम को रिमूव करना है तो कितना टाइम होना चाहिए मिनिमम,
सपोर्ट ऑफ बीम को, तो सपोर्ट ऑफ बीम को जो हमें रिमूव करना था उसको निकालने के लिए कितना 21 डेज का टाइम है, 21 डेज का टाइम यहाँ पर ले रहे हो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो आंसर होगा वो हमारा 20 डेज का राइट आंसर निकला। तो 26 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया, 27 का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, 27 का आंसर, 27 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट तरीके से, भाई जल्दी से फटाफट तरीके से 27 का आंसर बताओ। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द स्टील डिजाइन, स्टील डिजाइन का केस है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिलो विच नॉट मोर देन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज, यूजुअली 5%, नॉट मोर देन स्पेसिफाइड परसेंटेज यूजुअली 5% ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस ऑफ सैंपल्स टेस्टेड आर एक्सपेक्टेड टू अकर इज कॉल्ड, tested are expected to occur is called, इसको क्या बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, उसको हम बोलते हैं characteristics, क्या बोलते हैं characteristics, not more than is called the criteria, the value of stress below which not more than of a specific percentage, generally कितना है 5%, हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं specific बोला जाता है, क्या बोला जाता है specific yield, और अगर ये load के बारे में पूछता तब उसको क्या बोलते, तब उसको characteristics load बोलते, अगर load के बारे में पूछता तब ये characteristics load होगी, अरे भैया लोड कब होगा, इसने क्या पूछा है, स्टील डिजाइन का मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस को लोड से रिलेट नहीं कर सकते हो, स्ट्रेस को किससे रिलेट करोगे, कैरेक्टरिस्टिक स्टील से ही रिलेट करोगे, जबकि लोड का अगर क्वेश्चन पूछता तो उस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी आता, समझ में आया अभी बात को, बात क्लियर हुई यानी फटाफट तरीके से बताओ, तो 27 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, 27 के बाद 28 की बात करते हैं, जल्दी से आंसर बता दो, जैसे 28 का 28 का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, बहुत बढ़िया, तो हमारा क्या होता है, टू स्टील प्लेट्स 20 आउटर एंड 25 इनर मिलीमीटर आर टाइट टुगेदर बाय अ शोल्डर बाइंडर ऑफ द 32 mm थिकनेस इन लाइन गैप मिलीमीटर ऑफ द दिस वन, लाइन गैप का मतलब क्या है, पिच निकालना है, लाइन गैप का मतलब क्या है, लाइन गैप इन मिलीमीटर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं पिच हो गई है, तो वो वैल्यू कितनी निकल के आती है, जल्दी बताओ, तो वो वैल्यू निकल के आती है 32, अगर हमारे कितना आता है 32, क्या आता है यानी क्या आता है, जल्दी बताओ 32 और 300 mm, इनमें से जो लेस वैल्यू होती है वो वैल्यू हम यहां पर 32 और लेस वैल्यू जो हम निकल के देते हैं, अब बताओ यहां पर आउटर प्लेट कितने की है थिकनेस 20, बाहर वाली कितने की है 25, तो हम बात करेंगे 32 into 20 और हम बात करेंगे 300, तो यहाँ पर बात करेंगे कितना जाएगा 2 × 4 × 3 × 6 × 640 और 300, इसमें से क्या निकालनी है हमें, लेस वैल्यू निकालनी है, और लेस वैल्यू कितनी आती है, लेस वैल्यू बताओ, लेस वैल्यू कितनी होगी, लेस वैल्यू निकल के आएगी भैया 300 निकल के आएगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 300 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर समझ में आया रे भाई, तो जल्दी से बताओ आंसर, तो 29 का आंसर बता दो जल्दी से क्या है, इन कॉलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग इज बेटर देन द राइज एंड फॉल मेथड इन एडिशन टू ऑल द फॉलोइंग अल्टरनेट, इन एडिशन टू ऑल द फॉलोइंग अल्टरनेट, अगर हम बात करते हैं राइज एंड फॉल मेथड से कॉलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग इज बेटर होती है किस केस में निकल करके आता है, किस केस में, तो हम बात करते हैं जो कॉलिमेशन मेथड होती है उसमें एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, लेस लेस होते हैं, एरर होने के चांसेस क्या होते हैं, लेस होते हैं, तो किसके राइज एंड फॉल मेथड के, एस कंपेयर टू किसके राइज एंड फॉल मेथड के, और इसी कारण से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं लेस एरर के कारण पर वैल्यू, लेस एरर के कारण से हम यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, 30 नंबर का क्वेश्चन मैं तुम मुझे बताओ, उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो यहाँ देखो अभी क्या है, बिल्कुल त्योहार चल रहा है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए 13 और 14 फरवरी को टेस्ट बुक लेकर के आया है सिलेक्शन से प्यार से, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर अपने सिलेक्शन से प्यार करना होगा, तो उसके लिए अगर हम बात करें डीडीए जेई सिविल के लिए आपको मिल रहा है 45% + 35% ऑफ, वो भी 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ,
जो कि कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। क्या है? कंप्लीट कोर्स की बात करेंगे तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है केवल और केवल 2729 रुपीस में, वो भी यूजिंग द कोड। आपको कोड क्या लगाना है? यहाँ पर कोड जो लगाना है वो वैभव कोड को लगाने, याद रखिएगा वैभव कोड को लगाने पर आपको ये मिल रहा है। साथ ही 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब 6 मंथ का कोर्स 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। अब भैया इस ऑफर को ग्रैब करना चाहते हो तो ग्रैब कैसे करना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर जाना है और इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा AEJEE सुपर कोचिंग, मिलेगा DDA सुपर कोचिंग। DDA सुपर कोचिंग की बात करते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको यहाँ पर कोर्स मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम आते हैं AEJEE सिविल का भी कोर्स है, हम बात करते हैं यहाँ पर DDA सुपर कोचिंग का कोर्स जो है। इस लिंक को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो DDA का पूरा कम्प्लीट कोर्स यहाँ पर निकल करके, इस कोर्स के अंदर आपको क्या है, इंग्लिश के लेक्चर मिल रहे हैं, रीजनिंग मिल रहा है, जनरल अवेयरनेस मिल रहा है, जनरल एप्टीट्यूड मिल रहा है और फुल कोर्स यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, साथ ही साथ पर्चन क्लासेस के जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर जो डिफरेंट एजुकेटर्स है वो यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें हम सर्टिफिकेट बात करते हैं और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट, निम्बस लर्निंग, ये सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके डाउट्स एंड रिवीजन सेशंस भी निकल के आएंगे और PYQ सेशंस भी यहाँ पर निकल करके आएंगे। तो ये सारे सेशंस आपके हो रहे होंगे जिनको हम बात करते हैं निकल करके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 85 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आप आते हैं DDA 2023 का है और AEJEE का पूरा PYQ का जो यहाँ पर है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो आपको एड ऑन करना है 6+2 मंथ, हम बात करते हैं यहाँ पर सफिशियंट रहेगा 6+2 मंथ, अगर सफिशियंट में आप जाते हैं रेस्ट 12+4 मंथ। अगर आप AEJEE से DDA को कवर अप करना चाहते हैं तो अगर सिविल AEJEE का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सेम कोड वैभव कोड के साथ जाते हैं वहां पर भी, तो आपको DDA का सब्सक्रिप्शन उसके साथ भी इनरोल मिल जाएगा और DDA का स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल। तो रेट से हम बात करते हैं 6+2 मंथ के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर कूपन अप्लाई करते हैं, तो ये कूपन दिया हुआ है इसको हटा देना है और VAIBHAB ये कोड आपको यहाँ पर, भैया जैसे ही कोड अप्लाई करोगे तो 2729 में आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर और 3 मंथ कोर्स जो होगा वो 1689। और ये कॉस्ट इतनी कम है ना कि अगर तुम एक महीने में देखो तो 1689 इतना तो तुम ऐसे ही अपना खर्चा पानी कर लेते, और ये अपने सपनों के लिए तुम इतना सा उड़ान दे सकते, इतनी सी उड़ान दे सकते। क्लियर है बात? तो यार अगर तुम सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल इसको नोट करो, क्योंकि नॉन टेक्निकल डिसाइडिंग फैक्टर होता है। नॉन टेक्निकल तो कम कवर अप कर सकते हो और टेक्निकल भी यहाँ पर कवर अप कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो बिल्कुल ये सोच के करो कि ये कोई बेसिस नहीं है, ये आपके लिए बहुत वैभव कोड को याद रखो और वैभव कोड के साथ आपको। ठीक है, चल तो यहाँ पर मैं बता दू आपको, ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये होमवर्क क्वेश्चंस लगते हैं, आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा करते हैं, अभी 11:30 बजे अपनी मास्टर क्लास में और 12:30 बजे DDA स्पेसिफिक मास्टर क्लास में मिलते हैं। 11:30 वाले मिक्स क्वेश्चन क्लास और 12:30 बजे DDA स्पेसिफिक हम मास्टर क्लास में मिलने वाले हैं। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल दीजिएगा, वैभव कोड के साथ अपने आप को इनरोल कर लो और वैभव सर सुपर कोचिंग अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा और आपके लिए डिस्क्रिप्शन ग्रुप भी है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें आपको मिल। क्लियर बात? चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या क्या बातें हो रही है भाई, और कोई डाउट है? क्लियर है? ओके ओके गाइस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद 11:30 बजे, देन 12:30 बजे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।